नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को फिर से कुकुट बनाजा में स्वागत है न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आई हूँ केक की रेसिपी, रवा मैंगो केक, जिसको हम कढ़ाई पे बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत ही सिंपल सा केक का रेसिपी, ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने आम, तो आम तो इतने सारा नहीं लगेगा, तो इसमें से हमको 2 आम चाहिए। तो मेरे पास 3 तरह का आम है। तो ये जो ग्रीन कलर का आम है ना, ये छोटा वाला नहीं, ये जो ग्रीन कलर का आम है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये मीठा भी बहुत है। तो जो सबसे अच्छा आम हो उसी को लीजिएगा केक बनाने के लिए। तो चलिए मैं यहीं पर ले रही हूँ 1.5 कप रवा। आपके पास अगर सूजी भी हो तो उसको भी ग्राइंडिंग कर लीजिएगा। थोड़ा सा ग्राइंडिंग करने से हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। और यहीं पर ले रही हूँ 1 कप चीनी। और यहीं पर फ्लेवर के लिए मैं ले रही हूँ छोटी वाले जो इलायची आता है उसका जो बीज है उसको हम तोड़ के ले लेंगे। मैं यहीं पर 3 छोटे वाले इलायची को ले रही हूँ। और इसका अच्छा सा पाउडर हम बना लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से मिक्सी में चलाएंगे और इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हुआ है। चाहे तो आप इसको छान सकते हैं और हम एक बाउल पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम साइड कर देंगे। तो यहीं पर ले लेंगे 2 आम, हमको 2 ही आम चाहिए बस। तो आम को अच्छे से धो के हम काट लेंगे। देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इसका सारा जो पल्प है उसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत आसान है निकालना इसको। तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा टोटल 1 कप से थोड़ा सा ही कम है आम। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1/2 कप मलाई के साथ दूध ले रही हूँ। सबको अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल फाइन सा। तो देखिए आम का पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब अभी आम का सीजन है तो ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। घर पे सबको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली बच्चे लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो सारा आम का प्यूरी को हम जो हमारा रवा का पाउडर है उसके ऊपर हम डाल देंगे और जो ग्राइंडिंग जार में बचा हुआ आम है उसमें 3 से 4 चम्मच हम दूध डाल के इसको हम डाल देंगे पेस्ट के ऊपर। तो इसको साथ ही में हम अच्छे से इसको चला लेंगे। तो टोटल मैंने यहीं पर डाला है 1 कप से थोड़ा ही कम, इसमें मैंने डाला है दूध और 1 कप से थोड़ा ही कम मैंने इसमें आम को भी डाला था। तो देखिए अब इसको हम ढक के रख देंगे 45 से 1 घंटा के लिए, 45 मिनट या 1 घंटा के लिए। लेकिन इसको रेस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो 1 घंटा हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, आलमंड, काजू, जो येलो कलर का किशमिश, ब्लैक कलर और रेड कलर का। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डालिएगा ज़रूर। और टूटी फ्रूटी हो तो वो भी डालिएगा। लेकिन इस समय आपको लग रहा होगा कि मतलब जो हमारा बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन इस समय आप पानी की दूध बिल्कुल मत डालिएगा। तो यहीं पर हम डाल रहे हैं तेल। अगर आप चाहते हो तो बटर भी डाल सकते हो या घी भी डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ तेल, तो मैंने यहीं पर 1/2 कप से थोड़ा ही कम इसमें मैंने डाला है तेल। बस इसको इसी तरह से हमको चलाना है एक ही डायरेक्शन में, इस तरह से कट लगाते हुए। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहीं पर हम जो ड्राई फ्रूट्स 1/2 ही ऐड करेंगे, बाकी रख देंगे गार्निशिंग के लिए। बड़ा ही सिंपल सा केक है, आप इसको घर पे ज़रूर बना के देखिएगा। तो सबको अच्छे से हम मिला देंगे। तो यहीं पर ले रही हूँ एक केक टिन, तो थोड़ा नीचे में डाल रही हूँ तेल। आप तेल हमेशा जो बिना स्मेल किए वाला आप तेल लीजिएगा। तो यहीं पर मैं डाल रही हूँ एक पेपर, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो पेपर से ही मैं काम चला रही हूँ। इस पर भी केक बहुत ही अच्छा से बन जाता है। तो
उसके ऊपर भी हमने तेल लगा दिया अच्छे से। तो यहीं पर हम डालेंगे लास्ट में 1 टीस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। मैं बेकिंग सोडा इसमें नहीं डाली हूँ, सिर्फ बेकिंग पाउडर इसमें डाली हूँ। और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब देरी ना करते हुए हम तुरंत ही केक टिन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैटर हमारा इसी तरह का होना चाहिए, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए हमको, वरना केक पकने में बहुत टाइम लगेगा और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे इस तरह से, ताकि जितना भी एयर हो अंदर वो बाहर निकल आए। तो ऊपर हम इस तरह से गार्निशिंग कर देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से गार्निशिंग करने से, और खाने में भी। तो ऊपर से थोड़ा सा आलमंड को भी इस तरह से हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने कढ़ाई को पहले ही 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ दिया था। तो नीचे मैंने नमक डाला हुआ है, तो केक टिन को हम अंदर डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे। और इसको मैंने पकाते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि ये रवा का है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है मैदे के हिसाब से। तो देखिए हमारा केक लगभग होने को आया है। तो इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कितना अच्छा सा कलर भी आया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको थोड़ा सा चेक कर रही हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा मतलब नाइफ में हमारा लग रहा है, तो इसको हम ढक के और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे। लेकिन केक को बनाते वक्त इसको लो फ्लेम में ही रखना है। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। तो केक हमारा अच्छे से बिल्कुल कलर बहुत ही बढ़िया बन के आया है और ठंडा हो चुका है। मैंने इसको 1 घंटा ठंडा होने के लिए भी छोड़ दिया था बाहर निकाल के। तो देखिए अभी काफ़ी ठंडा हो चुका है, जस्ट थोड़ा थोड़ा गर्म है। तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, तो मेरा बेटा तो सब्र मतलब वो खाना चाहता है, तो इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। एक बार इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और देखिए इसका जो नीचे हमने पेपर लगाया था ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल आपको जैसे लगेगा कि बटर पेपर जिस तरह से निकलता है ना, उसी तरह से ये निकल के बाहर आ जाता है। तो देखिए रूई जैसे सॉफ्ट बना है और बिल्कुल दांत में भी नहीं चिपकेगा। लेकिन आप इसको अच्छे से पकाइएगा, वरना दांत में चिपक सकता है। तो जब हो जाएगा ना, तो 10 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम में छोड़ दीजिएगा, ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। तो देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे, बिल्कुल भी हमारा नाइफ में नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही जालीदार मतलब रूई जैसा बन के तैयार हुआ है। तो इसको घर पे ज़रूर से ट्राई करें एक बार, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो इसको हम फिर से इस तरह से कट लगा देंगे। और इसका जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो लीजिए हमारा केक बन के तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग।